दोस्तों मारुति सुजुकी की ये है स्टाइलिश कार जो कि होने जा रही है भारतीय बाजार में अब फाइनली लॉन्च। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको तो ये बात बिल्कुल पता भी नहीं होगी कि मारुति सुजुकी इंडिया ने 2 करोड़ कारों के प्रोडक्शन को रिकॉर्ड बनाकर कंप्लीट कर लिया था। उन्होंने जापान की तुलना में यहाँ इंडिया में इस रिकॉर्ड को कायम किया है। मारुति की ज़्यादातर कारें कीमतों की मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन करती है और ऑल्टो 800 उसकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार थी। वैसे आने वाले समय में दोस्तों कंपनी कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट कारों को भारतीय बाजार में हम सभी के लिए लाने वाली है जिससे आपकी नज़रें बिल्कुल हट नहीं पाएगी। उन्हीं में से दोस्तों एक कार थी जिसका नाम सुजुकी मिडली डिक था जो कि 2015 में ऑटो एक्सपो के दौरान हम सभी के लिए पेश करी गई थी। अब जो कि फाइनली दोस्तों इलेक्ट्रिक कारें सभी लॉन्च हो रही है तो मारुति भी अब इस कार को हम सभी के लिए लॉन्च करने वाली है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुजुकी की ये कार एक इलेक्ट्रिक कार है लेकिन इसमें कितने किलोवाट की बैटरी होगी इस बारे में कंपनी ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है। कार की हाइट दोस्तों 5 फीट की होगी, वहीं लंबाई की बात करें तो 11 फीट होगी और चौड़ाई की बात करें तो 4 फीट होगी। इसे ब्राइट येलो कलर कॉम्बिनेशन में हम सभी के लिए लॉन्च किया जाएगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस कॉन्सेप्ट कार के हेडलैम्प्स को एकदम अन्य गाड़ियों से काफ़ी अलग बनाया गया है। वहीं ब्लैक प्लास्टिक के बम्पर और बोल्ड क्रोम और वुडन सिस्टम स्लाइड देखने को मिलेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कार 2 दरवाजों वाली है और इसमें 2 सीटें हैं जो कैबिन से आपको पीछे की साइड बिल्कुल ओपन रखी गई है और आप इसको पीछे से बंद भी कर सकते हैं। कार के स्टेयरिंग सेमी सर्कल डिज़ाइन में डिज़ाइन किए गए हैं। नेविगेशन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको इसमें देखने को मिलता है और इसके डैशबोर्ड पर भी आपको LED फिट लाइट्स देखने को मिलेगी जिसमें टाइम और डेट और टेम्परेचर के साथ दूसरी इंफॉर्मेशन शामिल की जाएगी। कार में दोस्तों आपको ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन वाले एलॉय व्हील का ऑप्शन देखने को मिलता है। दोस्तों अगर लॉन्चिंग और कीमत की बात करी जाए तो सुजुकी की नई मैकी डिक इलेक्ट्रिक कार को भारतीय बाजार में हम सभी के लिए जुलाई के महीने में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत की बात करी जाए तो दोस्तों मध्यवर्गीय परिवारों को देखते हुए और सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार होने के नाते इस कार की कीमत मात्र 2.10 लाख रुपीस रखी जाएगी जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस है। बाकी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को बिना लाइक करें बिल्कुल बचिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।